नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। फाइव सेंसेस मेडिटेशन के बाद जो मैं विजुअलाइजेशन वाला पार्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों ने उसको किया है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता मिली है ना। बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास में और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज जो सक्सेस स्टोरी है वो भी फाइव सेंसेस वाली ही सक्सेस स्टोरी है। इनकी लव मैरिज मैनिफेस्ट स्टोरी है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि पार्टनर्स के बीच में भी प्रॉब्लम आ गए थे और दोनों ही अलग हो गए थे। तो 1.5 साल तक दोनों लोग अलग रहे हैं, उसके बाद में इन्होंने मैनिफेस्ट किया है और बहुत ही आसानी से इनका मैनिफेस्टेशन जो है वो कम्प्लीट भी हो गया है। आसान टाइम ये तब नहीं रहा होगा जब प्रॉब्लम चल रहा था, ब्रेकअप चल रहा था, मूव ऑन कर गए थे दोनों लोग, तो वो वाला जो टाइम है ऑब्वियसली वो इजी नहीं रहा। लेकिन उसके बाद का जो टाइम था, जो इन्होंने मैनिफेस्टेशन से लेकर के पाने तक में निकाला है, वो इजी रहा। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर किया क्योंकि इन्होंने सक्सेस स्टोरी बिल्कुल ज़रा से मैं लिख करके भेजी है, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की गई है। इन्होंने लिखा है, मेरा और मेरे पार्टनर के साथ में बहुत इशू चल रहा था, लेकिन अब मैं अपने पार्टनर के साथ में लव मैरिज को मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ। 1.5 साल तक हमारा ब्रेकअप भी चला और उसके बाद में मैंने आपका फाइव सेंसेस मेडिटेशन का वीडियो देखा। मैंने लगातार उसे 2 महीने तक किया और उसके बाद ही मुझे अचानक ही सक्सेस मिली। मेरे पार्टनर का कॉल आया और उनसे भी पहले 2 बार उनके भाई ने मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने उनके भाई को अच्छे से कोई भी रिस्पांस नहीं दिया और बात नहीं की, उसके बाद में ही मेरे पार्टनर का कॉल आया। मैंने जब फाइव सेंसेस मेडिटेशन की थी तब मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मेरा मैनिफेस्टेशन 100% कम्प्लीट होगा और 2 महीने करने के बाद मैंने इसे अपने आप भी छोड़ा क्योंकि मैं और चीज़ों पर ध्यान लगाना चाहती थी, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहती थी जो कि मैंने कर भी लिया, मैं आगे भी स्टडीज़ करना चाहती थी जो कि मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, और रिलेशनशिप के इस इशू की वजह से काफ़ी कुछ नुकसान में अपने आप को पहुंचा चुकी थी। काफ़ी पेनफुल टाइम रहा है, लेकिन मैनिफेस्टेशन से लेकर के अब तक का जब हमारी शादी पक्की हुई है बहुत ही मज़ेदार टाइम रहा है। सचमुच में मैंने बहुत ही मज़े में मैनिफेस्ट कर लिया है। थैंक यू। देखिए, इसीलिए मैंने आपको कहा कि इन्होंने ना डिटेल में बहुत कुछ नहीं लिखा है, छोटे से में ही इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी को कवर करने की कोशिश की है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके साथ में डिटेलिंग कर रही हूँ। 2 महीने तक इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी है 1.5 साल के ब्रेकअप के बाद में, और उसके बाद में ये अपने एग्जाम की तैयारी में और लाइफ में और आगे बढ़ जाते हैं। चलो, क्योंकि अंदर से जो गट फीलिंग थी ना, इंट्यूशन था, वो बोल रहा था कि ये हो जाएगा और वो हो भी गया। तो जब आपका इंट्यूशन, आपका इनर बीइंग आपको बोल रहा होता है ना कि यस ये हो जाएगा, डोंट वरी, तो 110% चांसेस होते हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी बोल रहा है और आप कंसिस्टेंट हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, तब भी आपके लिए काम करता है क्योंकि आप वो वाली वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं जिससे आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है। तो फाइव सेंसेस मेडिटेशन ने दी एक और प्यारी सी लव स्टोरी को शुरुआत, नई शुरुआत, नई लाइफ की नई शुरुआत। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। अगर आप अपनी ये सक्सेस स्टोरी देखें और आपका मन करे कि आप अपना नाम शेयर करना चाहते हैं क्योंकि आपने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगी। थैंक यू। आपने अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।